एवरीवन बैक बैक सॉरी, वो थोड़ा क्रैश हो गया था। ठीक है, एक मिनट मैं चेक कर लूँ सब। ठीक है यार, ये आजकल काफ़ी क्रैश हो रहा है। दो यार, एक मिनट दो, चैट खोल लूँ मैं। ओके, ना 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 कॉल कर लो विलन को। एवरीथिंग इज फाइन राइट? नो इशू। ओके, हाँ हेलो, कहाँ हो? मैं तो जाने वाला ही बोल रहा हूँ। मेरे को थोड़ा यहाँ उठा लो, कहीं तुम्हारे घर के बाहर हूँ। कहाँ हो? होटल पे? हाँ होटल पे तुम्हारे। चलो मैं आ रहा हूँ। I think I need bandage. लोकल वार। हेलो, मैं लोकल आजकल बजाने में नहीं आता है। एक मिनट दो गाइस, एक मिनट दो। या और एक भाई इसकी चाबी ले लो। कौन? मैं हूँ विलन। अच्छा, दे तो चाबी। ये तुम्हारी बाइक है? तुम कहाँ जा रहे हो? होटल? लोकल तुम के हैं। सोने जा हाँ रहे हो मैं क्या? सोने बहुत जा रहा जल्दी जा रहे हैं। नहीं, मैं सारा दिन ही रहता हूँ। और कब आओगे अब? सुबह आ जाऊंगा 9-10 बजे। 9-10 बजे? ठीक है ठीक है, मैं नंबर रखे हो ना, हाँ सेव कर लें। और को मैं मैसेज कर दे रहा हूँ। वही सही बंदा है। हाँ यार ये चाबी बहुत मुश्किल से। आया कोई मैसेज? आया अभी मिल गया ना? पता नहीं, ये देखो लोकल के है। लोकल
नहीं मिला, तो कौन सा कर, एम करना। तुम देखो, तुम्हें देखो पहले नंबर मिला, मैसेज सेव कर लूँ। Listen, pal, it's a bloody glove box, right? ये लोग कहाँ हैं? कुछ बताया नहीं। ओ बोले अभी तो अपना काम कर लो, वो लोग अपना ले रहे हैं जो भी फाइट लेने। यार ये हुआ ही नहीं हटवा यार भाई। अरे मैं चाबी दी तो थी, इसका ग्लव बॉक्स देखना नंबर क्या है। मैं देख रहा हूँ, इसका नंबर है रुको यार, 482। नहीं 482 देखो। हाँ भाई लोकल के थे तो तुम मस्त बाइक है भाई, 150 जाती है। तुम्हारी गाड़ी क्या हुई? मैं तो अपने मोटर रूम में पार्किंग में रखता हूँ। तो मेरे को दे देते, तुम सुबह आओगे ना? हाँ तो मेरे को दे दो अपनी गाड़ी। आयो आयो ये सिंगल सीटर है। हाँ एक काम करो, तुम गाड़ी लेके आओ, मैं ही खड़ा हूँ लेके। लोकल भाई, लोकलों की गाड़ी देखो यार। गाइस ये सिर्फ एक घंटे की मुझ वाली स्ट्रीम हो, क्योंकि यार कल टेस्ट है यार। Híjole. Híjole. ये तुमने पिंक लाइट क्यों लगवाई है? इसका है Z75, Z75 लास्ट में। भाई उन्हें कब से चाबी दे मिल गई मिल गई। मिलते हैं, कल आ जाना। हाँ वो फ्यूल में डलवा दूंगा, सुनो तो कल वही मैं 1-2 बजे तक आऊंगा, रहोगे ना? ठीक है ठीक, साथ में फिर रॉबरी करेंगे। ठीक है मिलते हैं कल। हाँ बाय। तेरे
ओ, लड़ाई नहीं, लड़ाई हो रही है। कहाँ गए थे अपन रॉबरी करने? हाँ चलते भाई, थोड़ी रॉबरी कर ले फिर हम भी चलेंगे सोने। चलो ढाका डाला ऑन द वे, इसको अभी मंसल पे रख लेता हूँ भाई। अबे यार छूट गया भाई, ध्यान क्यों नहीं देता, काफी जल्दी स्टार्ट हो गया। नौकरी की टूट गया ओपी, ये भी सही है। वेट वेट, अनलॉक पिक लो, कम ना टेक है। दो ले पैसे हैं तो, हाँ है तो पैसे, क्यों नहीं ले रहा ये? ये तो अलग ही है। कहाँ से होगी भाई? ठीक है, जगह ही नहीं है। इतने मोटल थे, मोटल खत्म हो गए क्या? ओके भाई, कोई आजू बाजू दिखा दो। फिलहाल अभी कभी भी कहीं भी मिल जाए।
इसे ना होता राइट, आई डोंट थिंक यू कैन और ये मोटल बुक कहाँ से होता है? जी जी एफ एफ ये सारे आई थिंक बुक्ड हैं। और कोई देखा? सारे होटल हैं दूर दूर क्यों है? यहाँ भी रहता है कास्टल बार, यही था होटल उसके पीछे था। होटल ही नहीं ये देख ले। हे हेलो मस्ती, क्या हाल है भाई? नाम ही मस्ती वाला है, सही है। व्हाट अप ब्रो, ऑल गुड? गॉड से यहाँ तो मोटल मिल जाए भाई, देख रहा हूँ यही हाल है अभी। रियल में आरपी लग रहा है, आरआर वाला हालत में कोई मोटल ही नहीं मिल रहा। कहाँ से मोटल मिल रहा है? इंट्रैक्ट 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 कोई मोटल ही नहीं। ठीक तू बता, एकदम गुड यार, एकदम गुड। और बताओ सब गुड, एवरीथिंग? और तेरा मार्केट ऑल गुड? मुझे भी तो नहीं पता कि अभी मोटेल अवेलेबल है कि नहीं।
ये सामान कहाँ बिकता है? ओके, मेरे पे रिसाइकिल के सामान है, राइट? रिसाइकिल में हो रहा है मेरे पे शायद। ओके, रिसाइकिल पहले मैं दे देता हूँ सामान एट रिसाइकिल, देन आई विल जस्ट गाइस। गुड। हाँ, जो जो देख रहा है प्लीज लाइक करना स्ट्रीम, अगर कुछ भी अच्छा लगे स्ट्रीम। ओके, और बता मस्ती क्या है? तेरे सर्वर का क्या हुआ ऑनलाइन आरपी? फुल कर लूँ क्या? $50 में आई थिंक हो जाएगा। नो, 60 to 65 डॉलर्स में हो जाएगा। 65 डॉलर में हो जाएगा, आई थिंक 60 में ही हो जाएगा। वो फुल करने पे वही मिस्टर जिमी एंडरसन को कॉल करता हूँ। कौन था वो?
कोई गाड़ी चला रहा है कि जाना बोला हेलो ऑफिसर भाई, क्या पीटी है, कोई ऑफिसर ही नहीं। और आपका शॉट कोई ऑक्यूपेशन? अरे हेलो, आप क्या काम करते हो ग्रे? हेलो, हाँ भाई। अरे रिसाइकिल का मेरे को सामान बेचना है, किसको बेचूं? हमें बेच दो। ओके आओ। कहाँ पे हो? अरे बाजू में भाई, और कहाँ। चलो $20 के कितना सामान है? एक सौ मतलब 4,000 ले आओ, गाड़ी में होगा। कर रहा हूँ, मेरा पेपल बता दो। क्या बताऊँ तुम्हारा? एक मिनट, पेपल बताऊँ ना तुम्हारा। पेपल 198। नंबर एक बार बोल दो जल्दी। हाँ, इसी पे पेमेंट कर दो पहले। वो तो लाओ, पेमेंट कर दो पहले, सामान तो लाओ। हाँ गाड़ी में, नंबर वो दे एक बार। चलो चलो गिरा, चलो क्या गंदा डिश मारती है यार। आवाज तो नहीं है। गाड़ी में आओ, गाड़ी में दे। जा कहाँ रही है वो तो? यहीं दो। अरे यहीं दे रहे हैं, गाड़ी में बैठोगे तब मैं डालूंगा। गाड़ी में कहाँ से आएगा सामान, बाहर निकलो। ओके रुको, बाहर ही दे रहा हूँ। ओके ओके, एक जगह रुको, दूर रखो। किलो 100 है, उठा लो पहले। रहने दो, गाड़ी दूसरे ही कहाँ है? तुमने 4,000 बोले ना। हाँ और दे रहा हूँ, नोट करो पहले। अरे भाई तू मेरी गाड़ी में रख दिए सारा, तुम ये ऐसे ऐसे गिरा गिरा के तो बिना लूंगा। अच्छा ये उठा लो पहले, 100 है, उठा लो। तुम गाड़ियाँ निकाल लो जितनी है तुम्हारे पास, मैं अपनी गाड़ियाँ निकाल। जेब में नहीं आ रहा है। क्या नाम है जेब में? अरे उठा लो, जेब में उठाओ, 100 है टोटल, देखो कितना उठा पा। उठाओ अरे साहब, तुम्हारी 4,000 के वो कहाँ है सामान, कहाँ है? अरे दे रहा हूँ, अभी 2,000 हुए ना। क्यों, क्या हुआ, क्या हो गए? 2,000? हाँ अच्छा अच्छा, आपका नाम? अबे 2,000 का सामान नहीं उठाऊंगा, तो 4,000 मटेरियल उठाऊंगा। घंटा ही हुआ है। उठा लो भाई। वाह भाई, और कुछ नहीं है सर, दिखा रहे सब, समझा रहे। दिखा दो,
छोड़ दे बाइक के टूट गया हम लोग कौन वो काम वाला क्या हुआ चूतिया भाई money friendship. Oh shit!
हेलो हेलो हाँ बोलो ना, क्या हुआ? वे टू गेट अ मोटेल दिस डे मोटेल मोटेल आर फुल ब्रो। सो कैसे फिर होगा बताओ मतलब एनी हाउस एंड हाउसेस आर नॉट देयर, यू हैव टू वेट लाइक फॉर यू नो प्रॉपर्टीज। यू कैन कीप योर स्टफ इन कार्स। और डायरेक्ट यू नीड अ कार आई होप भाई लग रहा मेरे को कोई यही लेनी होगी सामान रखने के लिए कोई बग्गी तो कुछ ग्राइंड भी नहीं कर सकता तो फुल टाइम वो मीटिंग में होता है हेयर एनी वन फ्रॉम द पीडीएम एक बार इधर हो बोले तो आया मैसेज
दोनों लोग कहाँ बिजी? हेलो दो में हो जाएगा? अरे आप ऐसे कोई ये रिसाइकल का सामान लेता है क्या? मेरे पास पड़े हैं। कितने हैं? किसी भी कुछ खाने को है? अरे है ना बर्गर शॉट वाला। हाँ मैं भी दे दो यार भाई, पहले एक तो दो, पहले एक तो खाना गिर जाऊंगा। ओके पहले कोई मैं से सामान ले लूँ, कौन लेने वाला है? 4000 के सामान पहले खाना पीना खा, पहले खाना पीना खा लो उसके बाद आराम से टेंशन का मैं ले लेता। दिक्कत का ये ले लो पहले एक बर्गर खा लो। तो अच्छा नैच कितना चाहिए तुमको? दो बस हो गया या 10 दे दूँ? 5 दूँ? और कोक कितना चाहिए? आ जाओ कॉफ़ी बना के लेके आ सकता हूँ, कितना चाहिए? 5। ओके ये बर्गर ले लो 5। कॉफ़ी रेट अभी देखा नहीं यार, क्यों अभी नया नहीं है तो बताता हूँ मैं। बर्गर ये 110 का ही है। हाँ स्पेशल वाला है। कितने हैं रिसाइकल पैकेट के? सर वही 4000 के हैं, मतलब लगभग 298 है। 200 ही है? हाँ अभी और थे बट फिलहाल अभी मेरे पास कोई मोटेल नहीं है। अच्छा। मैं अभी दोस्त के रूम पे रखा है। नाम क्या है आपका? नाम है मेरा बंस। क्या? एलेक्स बंस। ठीक है लेके आता हूँ। क्या बोला? एलेक्स बंस। एलेक्स बंस। एक सेकंड। आप गाड़ी में आ जाओ उसी में ग्लोब बॉक्स में डालो। कितने आप कितने हैं बोले? 4000 के मतलब। मतलब 4000 नहीं मटेरियल कितने? मटेरियल में 200। ठीक है हाँ बोलो। चल शॉप जाना है। एक सेकंड सामान ले लेके पेमेंट दे देता हूँ। 2 मिनट आप गाड़ी में आ जाओ। गाड़ी रिपेयर कर दो। हाँ कर दो। वैसे सर आपका नाम क्या है? रैन मार्टिन। रैन मार्टिन कितने की गाड़ी है? रैन मार्टिन। सॉरी सॉरी ये है, ये गाड़ी है ऐसे 80 की है, मतलब वो फिर अलग से जोड़ा गया। टर्मिनेटर है। अरे अथर्व ने 40 में लिया था नया, पता नहीं जो भी हो। हाँ देखिए 20 में नहीं गिरा है क्या? अरे भाई वो ट्रंक में डाल दो, ट्रंक नहीं है क्या? ओके आप ये 20 उठाओ, बाकी ट्रंक में डाल रहा हूँ। वैसे आपकी गाड़ी रिपेयर कर दूँ? हाँ कर दो ना। हेलो सैराज। सैराज वहाँ पे? कहाँ पे? वहाँ जीन्स जैकेट में। भाई फैन निकाल लो भाई, इसमें डाल दिया भाई। सर सारे इसी में डाल दे रहा हूँ। ठीक है डाल दिया। डाल लो डाल लो, 10-10 करके डाल।
और इसका ये हार्ट लास्ट नीचे हो गया इसका 1100 ओके आपके पूरे 178 है आपको दे दिया 171 ऐसे कुछ डालता भाई मैंने अलग अलग डाल दिया कि आपको गिनती में जान नहीं नहीं ये सब डाल दो टेंशन उठा लोगे ना हाँ वैसे ओए चलेगा दुकान जाना है रुक जा भाई ये ले लेते मटेरियल क्योंकि मैं आपसे अभी बर्गर ले लूँ एक मिनट कितना चाहिए ये बड़े वाले जो हैं कितने के 150 के ये 110 का है ये वाला हाँ पैसे भाई 4000 मिल रहे हैं 110 लेने का जा रहा कितने 3960 होगा आप दे दो 3960 या पेपर वाला पेपल है मेरा सर 198 वो भी थे और 198 पेपल भी है चलो आ गए थैंक यू चलो भाई अगर कोई है तो बोलना हाँ 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 आप ना नंबर दे दो एक सेकंड हेलो आप बोल देते थोड़ा आसानी रहता 1 2 3 हाँ डबल 7 6 0 नाम आपका ब्रायन मार्टिन ब्रायन मार्टिन राइट ब्रायन आर वाई ए आप पीडीएम में होना काम करते हो चल सही अच्छा आपको बड़ा ऑर्डर कुछ 100-200 करके ऐसा कुछ को बता दे मेरे को मैसेज कर दे हाँ कर दे रहा कितना सही चल बे भाई अब तो जगह की दिक्कत नहीं है ना नहीं इसके 10 डिग्गी में डाल देता हूँ चच्चा अरे अरे नहीं 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 क्या करा रहे यार चच्चा मत करा हाँ हो गए ना ये चुतिया फंसा ले कर चूँ हो गया सारे डाल देता हूँ उसी में एकदम नीचे करके पहले मैं तो रेडियो लेना है चाहिए क्या क्या फिलहाल मेरे को लॉक पिक चाहिए एंड एक ये चाहिए मेरे को रिपेयर कर दी गाड़ी रिपेयर कर दी सही हो गया और मेरे को लेना है
एनीथिंग ऑल रेडियो लेना आई थिंक या कितने का रेडियो है कितने का है भाई रेडियो 1000 का भाई लिटरली रेडियो इतना महंगा 800 रुपये पैसे निकालने पड़ेंगे काटते जाओ क्या हो गया क्या रिश्ता है ना रेडियो चेक ओके रात होने वाली है मैं रॉबरी की लोकेशन पे चलता हूँ एंड देखता हूँ रॉबरी करते हैं फिर लड़ता भाई ठीक है समथिंग हो सकता है ओवर कौन है ये चूतिया
क्या अंडर बेड भी सर्च कर सकते हैं, मेरे को मालूम नहीं था। जल्दी ढूंढो, जल्दी ढूंढो, जल्दी ढूंढो, ढूंढो उनको दिख रहे तो। मदरफकर! ओ आए, ओ आए। What are the second location? Wait. Video debut tomorrow. Girl, you should have seen me on set. They loved me. Live. Like out. चश्मा ही मिल रहा है साला, जिस घर में जाओ चश्मा चश्मा। जॉइंट मिला,
फोटो क्या करें यार, फोटो पे फोटो दे रहा चूतिया। मुझे करो टेबल पे सो रहा है सालों की क्या फ्रिज में कौन बैठा रखता है भाई। पहुंचना आ गया क्या ओके आस पास में तो पानी का दुकान है जस्ट मेरे पीछे आ गए थे यार।
देखिए इधर भी हो सकता है जो भी है। नहीं ये सब नहीं है। क्या कर रहा है? रॉबरी और शेट कैसे हो भाई? तो जैसे पूरा सलमान खान बन गया है, देखो घर पॉइंट करो तो इसको लूंगा मैं। ले भी छोड़ो भाई, सीधा बच्चे जाने दो, जा भाई जा। और श्वेत कैसे हो? हाउ आर यू माय फ्रेंड? अंटिल एनलेस मैं एक बाइक ले लेता। और अभी पैसे देख रहे हो भाई? रहीजी अलग ही रहीजी, 5,000 रुपये हैं बस जेब में। ठीक है और गुड। और बताओ स्ट्रीम अच्छी लगे तो लाइक करना करना, शेयर करना एंड ऑल। यप 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 गुड मैन। पी डी एक्चुअली आज पी डी आर भी मैंने की नहीं, बोर हो गया था थोड़ा पी डी से भी। वैसे आज पी डी में भी अच्छा कंटेंट था, हुआ था पी डी वर्सेज आई थिंक कार्टल गैंग का हुआ है, बट नहीं गया तो नहीं गया। फिर अचानक कैरेक्टर देख कैसे स्विच नहीं कर सकता ना। और फिर ठीक है थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहता था कि क्रिम कैरेक्टर भी आगे बढ़ाऊँ। क्रैश ना 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 क्रैश नहीं हुआ है एक्चुअली, मैंने डैड आए थे ना तो वो एक्चुअली मैंने वॉइस बंद कर दी थी, उन्होंने काम था। इट वॉज नॉट क्रैश। और बताओ 1,000 पीने की वैसे नहीं है, पीडी नहीं है सिटी में। हाँ पीडी मतलब देखो सच बोलूँ तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे बोला जितने भी कॉप हैं उनमें मैं हुआ और विनीत हुआ, हम सब सबसे ज़्यादा अभी तक रहते हैं ऑन ड्यूटी। और ये शाम हो रहा है कि सुबह हो रहा है? सुबह हो रहा है ना। ऑन ड्यूटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा हम ही लोग रहते हैं। हेलो रेडियो चेक, तू है रेडियो पे? तो रिप्लाई नहीं करता। इनका कोई फाइट वाइट सीन चल रहा है ना? कीपर बोर हो रहा है, आज बंदे कम थे। हाँ बंदे कम नहीं थे एक्चुअली। अब मैं ही देखूँ, मैं मेरा ये क्रिम कैरेक्टर बहुत पुराना बना है बट इसकी आरपी मैंने कुछ खास इनिशिएट की नहीं है, तो मैंने सोचा कि कुछ इसकी भी आरपी इनिशिएट हो जाए। अब पीडी की आरपी तो जैसे मैंने मतलब पी डी की आर पी इनिशिएट हो रही थी इतने दिन से, तो पी डी कैरेक्टर तो आगे बढ़ रहा है, जूस विंगस्टन तो ठीक बढ़ रहा है और बट एलेक्स वंस जो है वो वहीं रुक जा रहा है। और तो हमको नहीं लगता कोई इशू है कुछ खास। हाँ तो यही है कि इसी राज मैंने पी डी से आया नहीं, मेन रीज़न यही था, वरना मैं पी डी कैरेक्टर आज करता। तुमने आज 41 नहीं कहते क्या?
बाकी कल मेरे थोड़े सेशंस भी हैं तो आज थोड़ा जल्दी स्ट्रीम बंद कर दूँगा। तो जल्दी क्या, 1 बजे रहा है, आधे घंटे की मुश्किल से स्ट्रीम होगी। जिसके साथ इनिशिएटेड हुक क्राइम है, तुमने टाइटल नहीं पढ़ा? टाइटल पढ़ो एक बार। फिलहाल यार ग्राइंड में इधर ही रॉबरी कर रहा हूँ फिर। एंड वैसे टू बी ऑनेस्ट मैंने आज पहली बार रॉबरी की, अभी तक मैंने रॉबरी ही नहीं की थी। देखिए यहाँ पे लाइफ इन्वेंटर पे क्या क्या चीज़ का जॉब होता है, वो भी बेसिक होगा, ये वो है नॉर्मल। जो हर जगह होता है वही होगा, क्या होगा नहीं तो होगा नहीं। ये पोस्टर एथिकल हैकर, व्हाट इज दिस एथिकल हैकर मैन, ई कॉर्पोरेशन इंक्लूसिव, लेट्स सी इसमें क्या है एथिकल हैकर में। वाह नार्कोस, या फिलहाल नार्कोस ही है। Not to be officially अभी फाइट में नहीं जा रहा, बट क्या हेलो 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 आवाज आ रही है? कहाँ तुम लोग? मेरे को ये पूछना था कि मेरे पास जैसे कोई मोटर तो है नहीं, तो मैं सामान ये कहाँ रखूँ सब जो मेरे पास है? टैक्सी ले लो तो भाई वाह आ जाओ। ये है क्या भाई? देखिए टैक्सी कितने की आती है, अगर 5000 में आएगा तो मैं टैक्सी ले ही लूँगा, कोई दिक्कत नहीं मेरे को। पानी में मेरे को लगता नहीं टैक्सी मिल जाएगा, क्योंकि ऐसे दिक्कत हो रहा था सामान रखने का। भाई हाथ में चाकू लेके चल रहा हूँ, ठीक है। अरे हेलो, आप पीडीएम, हेलो एम्प्लॉय हो क्या? आप पीडीएम के एम्प्लॉय हो? हाँ, टैक्सी लेनी थी एक। हेलो टैक्सी, हाँ कोई भी चीज़ जिसमें सामान भर सके, अरे जिसमें स्टोरेज ज़्यादा हो गाड़ी में, तो स्टोरेज चाहिए मेरे को, तो ऐसी चीज़ें चाहिए। हाँ तो दे दो कोई ऐसी सस्ते सस्ती जो चीज़ हो, क्योंकि मैं उस पर पैसे नहीं खर्च करने हैं स्टोरेज। आपको को क्या सबको लेके आ जा, सबको सबको नहीं, जो सामान है तेरे पास वो लेके ग्रैंड में आ जा। तो का हुआ क्या उनके साथ? लेक्स का ये 7150 है। हां यार इतना भी नहीं, और सस्ते में दिखाओ ना, सिर्फ स्टोरेज ही तो चाहिए। और सस्ते की है सर, टैक्सी कितने की है? टैक्सी नहीं है, टैक्सी नहीं है, सबसे सस्ती कार है तो नहीं। और वैन वैन नहीं है? वैन वैन आती है ना 3000 कितने की? टैक्सी तो टैक्सी नहीं, नहीं सर 3000 की वैन नहीं है सर। टैक्सी सेंटर कहाँ है बता देता हूँ, 15000 लास्ट, सबसे लोएस्ट है। एक मिनट तो मैं कॉल पे बात करके आ रहा हूँ। ठीक है ठीक है। टैक्सी सेंटर मतलब क्या जॉब लेनी पड़ेगी? विदाउट जॉब हो जाएगा, मेरे को जॉब लेनी पड़ेगी टैक्सी सेंटर की?
वापस इन्वेटर जाना पड़ेगा ना, आई थिंक जॉब लेना पड़ेगा। हाँ टैक्सी ले लूँ, टैक्सी की स्पीड भी ठीक होती है। टैक्सी ले टीएमसी हुड पे। हाँ ठीक है, ये एथिकल हैकर क्या है, कुछ मेरी वेदर का है क्या कुछ? आई थिंक सो। हेलो मान्या, इनका कुछ सीन नहीं चल रहा है पक्का, ये लोग ब्लैक्स को मारे पा रहे हैं, देखो क्या होता है। ग्राइंड स्टार्ट करूंगा कल से, इसमें भी अब दो तीन दिन पीडी क्रिएटर होल्ड पे रखूंगा, या आऊंगा भी तो बस आधे घंटे के लिए 41 रहूंगा फिर चला जाऊंगा, क्योंकि दो हफ्ता से पीडी को घुस गया हूँ, क्रिम को थोड़ा आगे करना है। चलो मार कह रहे हैं। ओके अरे वेट वेट जा, अच्छा डाउनटाउन कैब टैक्सी टैक्सी को टैक्सी हेडक्वार्टर काफी दूर है। हेलो हेलो रेडियो रेडियो हेलो हाँ आज कितना टाइम लगेगा? टीवी आने वाले आ जाओ। रही है टीलम से उठ टीलम से मैन कुतुर कुतुर। मनी कितना, मनी कुछ बताओगे कितना मनी चाहिए कैश? रिटर्न ट्रांसफर है चार्जर निकाल देता हूँ। दो मिनट में आ गया। तीन तीन तो मिल जाना चाहिए। मेरी गाड़ी ड्रिफ्ट भी नहीं मारती इतनी गंदी गाड़ी।
हेलो अरे ब्लैक से लड़ाई वड़ाई हो रही है आ गया ठीक है अल पार कर दिया किसी के कितना देर लगेगी 2 मिनट सबसे दूर में एक इसको ट्रेन चेक करूँ कितने जगह होती है इसमें अरे वही ब्लैक्स को ये लोग मारे हैं फिर ग्रैनी ले गए अभी पता चलेगा क्योंकि मैं अभी गया नहीं हूँ इनके साथ और इसलिए नहीं गया क्योंकि बेसिकली ये है कि मैं तुरंत पहले दिन ये सही भी बात है उनकी कि पहले दिन गैंग सीट में जाना सही नहीं है तो इसलिए मैं नहीं गया कि छोड़ो जाना नहीं चाहिए मेरे को ये सब सामान है ऑलमोस्ट सब कचड़ा ही जाता है आई थिंक एल्स नहीं हो जाएगी ना 54 जगह क्या ले रहा है भाई 14 गोलियां क्या करूँगा मैं गोलियां भी इतना नहीं लेती तो इतना ले क्या रहा है वे अरे नहीं छोड़ो स्टोर करते इसको किधर है आप अभी किधर है नहीं पता था कि पहली बार मैं ऐसे इंजन स्टार्ट करूंगा एक्चुअली बाहर टैक्सी का ऑप्शन रहता मतलब कोई ऐसा तो नहीं होगा कि ये पर चेंज ही नहीं होगा इसको स्टोर कर ले अब निकालते हैं टैक्सी लेके चलेगा गैंग टैक्सी गैंग काम करता हूँ थोड़ा सा मैंने स्कूल तो नीचे से स्टोर क्या भाई हल्ले हो इसे भरूंगा ना दो पांच आठ भाई पांच ये फोटो किस काम का है बिकता है क्या तो फेक हूँ मैं पिस्टल एमो नीचे कर देता हूँ मेंशन चले देखता हूँ ये लोग मेंशन पे हैं
टाइम क्या हो रहा है? एक वही किधर है मेंशन, और एक्चुअली मैं अभी जा भी नहीं सकता क्राइम सीन पर डायरेक्ट। Wow, I'll take no fuel. अभी वो कहाँ पे रह गया? गाड़ी की चाबी दे देना मेरे को।
अंदर बैठ जा भाई पीछे वाले। बाहर निकल भी आ रहे ओके आई थिंक प्रॉपर है। आवाज आ रही होगी प्रॉपर। हेलो हाँ इलेक्ट्रो कहाँ हो अभी आ रहे हैं
कुछ इशू है क्या ब्लैक वालों से? हाँ झगड़ा हुआ। तो जीते हम लोग? नहीं नहीं वो कहाँ ये तो बताओ। अभी आ रहे काम करो बताओ बताओ। हाँ पिलबॉक्स ही आ जाओ ठीक है आ रहे हैं। हाँ भाई मैं सोचा लौंडे जीत के आएंगे तो भाई पिट के आए। गुद के आ गए। हाँ पहला दिन था तो मान्या ही है जो एसटीआरपी मेरे साथ ही था एक तरीके से। तो आज नहीं ये अचानक मिला मेरे को रीजन पे बात बात हुई एंड यहाँ उसने कहा कि हमें पता नहीं था उसमें मान्या है ने कहा कि हाँ फिर इन्हीं के साथ तो इशू हुआ है तुम लोग का ना वैकिंग टीएमसी वालों का इन्हीं के साथ तो इशू हुआ है। अरे अरे नार्को ज्वाइन कर ली। हाँ ज्वाइन कर ली। हाँ ऑलमोस्ट ऑफिशियल अभी वैसा नहीं हूँ बट या ज्वाइन कर ली है। ये टैक्सी क्या करूँ लॉकर टू ही रुको 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 एक मिनट घर आ जाओ घर आ जाओ वहीं बैठे लेफ्ट इसके साथ होगा भाई वाइड नहीं मेरे को इतना सुनने में आया कि तुम लोग टीएलएमसी तुम ही लोग ना रोड है। हाँ कुछ डील विल हुआ है तुम लोग से इनका ये लोग गए थे बात करने मैं आने वाला था बट मैं आया नहीं कि भाई पहले दिन आई डोंट थिंक सो मेरे को डील में डायरेक्ट घुसना चाहिए इसलिए मैं नहीं आया। चलो देखते हैं क्या स्टोरी आगे बनता है मेरे को खुद नहीं पता। पता चला था जो लोग बता रहे थे कि टीएलएमसी से डील करने जा रहे हैं नॉल डॉन से बात करो। तुम लोग का क्या सीन हुआ मतलब जो डील हुई इनके साथ क्या सब ऑल एवरीथिंग वाज गुड और इशू हुआ करने चलना तो बोल रहे चलो अभी क्या चीज डॉन से बात। अच्छा डॉन हाँ डॉन से तो बात की थी मैंने बात करनी है क्या डॉन से कहाँ बुलाऊँ हैं ठीक है रुक जा मैं बुला रहा हूँ करो करो तुम लोग साथ जो डील था वो फाइनल हुआ कि कुछ हुआ मतलब बात बड़ी है रेट से मतलब कैसा रिलेशन है रेड के साथ नार्कोस के साथ बेसिकली और एडन कैसे हो ये हो गया ब्लैक्स के साथ फाइट हो गई अब पता नहीं जीते हैं कि हारे हैं अभी बताएंगे मेरे को मैं गया नहीं था एक्चुअली आई थिंक मैं होता तो शायद मैं जितवा पाता क्योंकि बेसिकली इसमें ज़्यादा मेरे को ज़्यादा रोडन तो लड़ता हूँ रोडन क्या सॉरी घर वो लाना है क्या मान्या तो फाइट में रहता है बट कई इसमें ऐसे भी जो फाइट वाले नहीं है आई थिंक अगर मैं रहता तो उनको रहता है होता बहुत पर मैंने जिद नहीं की जाने की एक बार बोला पहले दिन यहाँ पे ठीक है क्या बोल आप बुला रहे हो ना सुनो हमको छोड़ के आना पड़ेगा एक बार ठीक है आजा अंदर आजा बहुत जगह है शांति है अच्छा ये क्या हुआ वहाँ पे माने इसमें कुछ गलती हो गई उसकी वजह से थोड़े हार गया कल होगा
तो उनके में सब बचे थे कि कितने डाउन थे? वही ना, गलती एक हमारा जब गए थे हम, तो एक हमारा जो गाड़ी है उसका दरवाजा ये हो गया, टूट गया था, तो उसकी वजह से दो डाउन होने के बाद, मतलब तो एक एक फटाक से पहले हमारा ये हो गया, इंजर्ड हो गया ज्यादा। फिर जब तीन बच्चे थे तब वही वो गाड़ी थी जो जिसका दरवाजा नहीं था, तो उसके वजह से दूसरा भी उसको अच्छी खासी गोली लगी, और वही फिर उसके बाद ज्यादा कर रहा हूँ टेस्ट आवाज में। तो कौन सी गन लेके आए थे सर? आई गेस ऑटोमेटिक थी, टेक्नाइन थी। कितनी टेक्नाइन थी, दो थी क्या? पता नहीं, टेक्नाइन थी एक तो मेरे और सामने टेक्नाइन लेके आया था। हाँ टेक्नाइन थी और ये और हम पे टेक्नाइन नहीं थी? हम पे एपी थी एक। नहीं उनके टायर अच्छे खासे पॉप हो रहे थे यार, है ना, उनके टायर पॉप कर रहे थे तो अच्छे खासे पेट भाग कर रहे थे, फिट। हाँ यार फिट फिट कर घुसेड़ दी भाई करके पूरी गाड़ी, घुसेड़ यार पूरा पूरा गाड़ी घुसे दे रहे थे। ठीक है कोई नहीं, कल देख लेंगे। ये बात कहूँ तो हमें पिचकारियाँ मेन चाहिए होंगी। भेज हाँ हाँ वही वही लेते दी क्या डॉन को दे। लोकेशन है? अभी तक हम लोग किससे गन से डील कर रहे थे गन की? हम बालास के पास तो बुलाओ उसको यहाँ जो भी है। बोले, तेरे पास कुछ ब्लंट वंट है किसी के पास? ब्लड नहीं है, ज्वाइंट है आई थिंक। जॉइंट या सिगरेट को दी डाल हाँ लो ज्वाइंट लो। दे। मेरे पे चार दे रहा हूँ। घर पे एक ही था। मेरे पे कितने हैं? चार है ले लो। एक मैं ले लूँ क्या? ये रहने दो, दोनों ले लो। सिगरेट है, सिगरेट है। ओके ओके। सिगरेट थोड़ा इफेक्ट होता है, उतना नहीं। सही है। हेलो डॉन, डॉन ने है? अरे तुम हो? और भाई क्या हाल? ऑल गुड, आप बताओ। मैं हाउ आर यू डूइंग? और कुछ? बढ़िया बढ़िया। आगे क्या चल रहा है तुम्हारा? कुछ नहीं, झगड़ा थोड़ा डील। हाँ देखो तुम्हारी फाइट हमने देखी आज होते हुए। हाँ एक्चुअली पता हमको कैसे चला, ब्लैक्स के एक बंदे ने मेरे को बताया कि वी आर फाइटिंग विद नार्कोस। सो यार जो जो लो यार प्लीज डू लाइक यार प्लीज प्लीज उन्होंने लाइक दिस स्ट्रीम मैन जब मैं इफ यू उतर लाइक गया तो हेल्प देखा तुम लोग उधर डाउन हो चुके थे। सो हाँ व्हाट वाज द रीजन फॉर दिस फाइट? फाइट का एक्चुअली रीजन ये था कि जब वो होल्ड नहीं कर रहे थे, हमने एक बार मैथ के लिए प्रोसेसिंग के लिए गए थे, तो जब वो होल्ड नहीं कर रहे थे, हमने पूछा था उनसे कि आप होल्ड कर रहे हो, उन्होंने बोला नहीं हम होल्ड नहीं कर रहे, मतलब जो भी है तुमको पता चल जाएगा, ये उनके वर्ड्स है, अभी तो नहीं बट जो है वो पता चल जाएगा जल्दी। तो हम सब कर रहे थे, तो हमारे बंदे सुबह सुबह आके कर रहे थे हमारा, तो वो मिलते हैं एक्चुअली, एक बंदा आता है 8 बजे सुबह, एक 9 बजे, तो कम्युनिकेशन नहीं होता उनमें, और दो बंदों को वो बोलते हैं कि यहाँ से निकल जाओ, फिर उसके बाद एक मीटिंग होती है उसमें, और वो मतलब ठीक से बात नहीं करते कभी भी वहाँ पे भी, क्योंकि हमें तो पता नहीं था वो होल्ड कर रहे, पहली बार तो उन्होंने नहीं बोला था, तो वहीं पे वो लाइक बहुत बचते हैं, उनको दोनों को हकल लेता है। उसके बाद हम गए नहीं कर, उसके बाद मीटिंग हुई, मीटिंग में भी एक तो उनका प्रॉस्पेक्ट उन्होंने उसको रखा होता है, बोलता है कि ये प्रॉस्पेक्ट है, तो खुद
बजरा होता है बहुत ज्यादा। प्रोस्पेक्ट नाम होता है उसका? नाम नहीं होता नहीं। उनके अच्छा मतलब प्रोस्पेक्ट रखा हुआ है उन्होंने, क्योंकि प्रोस्पेक्ट नाम का बंदा भी है ना वाइट्स में, पर वहां प्रोस्पेक्ट मार्टिन तो वही हुआ। तो वहाँ पे भी वो बजा था, तो हमको तुमको तो पता है हमको भी बजा चाहिए, और पहले भी एक बार बजा था क्योंकि एक बार लीजन पे भी उनके साथ बहुत ये हो रहा था, हीट हो रही थी, तो हमने हमको भी चाहिए था बिजनेस, तो हमने ब्लैक के साथ हमको बिजनेस लेना था, तो हम चले गए उधर ब्लैक के साथ बिजनेस लेने, उनसे बात की वो ठीक से बात नहीं किए, तो वही हो गया। But someone told me कि you guys are interested in coke. Yeah, we are interested. So लड़ाई केवल इस बात पे हुई कि क्योंकि तुम meth कर रहे थे और they were there to control और उन्होंने तुमसे बदतमीजी करी, इसलिए उधर कहा सुनी हुई फिर फाइट हुई। बदतमीजी भी की और एक मीटिंग हुई थी, मीटिंग में भी उन्होंने क्या किया मुझे लाइक पीछे ले जाके, हमारे बंदे नहीं थे वहाँ पे और बात करने आए थे मीटिंग करने, तो मैं वो मेरे को बोलता है आ जाओ बाजू में, और हमारे बंदे मेरे बंदे एक भी नहीं होता वहाँ पे, बाजू में ले जाके मुझको चक्कू मार देते हैं, फिर मेरा बंदा ने देख लेता है और एक बंदा उसको फायर कर लेता है उस पर, तो वही फिर पूरे सबको पता चल जाता है मेरे साथ क्या हुआ। याप। तो और मैं बताता हूँ, रुको एक मिनट। सीन ये हुआ था कि मैं और मनिया जो है और जिमी नीचे, मतलब अपने जो मोटेल होता है वहाँ पे भी मेरा स्टैकिंग, हम स्टैकअप कर रहे थे उससे पहले, मतलब रिस्पेक्ट वाद की कोई चीज नहीं थी, हम वो स्टैकअप कर रहे थे, हम स्टैकअप कर रहे थे और उसने लूटा तुम लोग को, या ये उसने लूटा एक को हमारे बंदे, नो रिस्पेक्ट। Actually, this is wrong, totally wrong, bro. Yeah, I know. This is you against know. The street rules, bro. Yeah, we know. So they were like, कर दिया कुछ ये कर दिया, और then हमको pillbox पे उन्होंने से उठा के बात की, बोला आ जाओ ये वो, फिर वही। तो पहले ही बात कर लेते if they want to talk. तो वही है, ऐसे बात नहीं करने, वो ऐसे ही लोग हैं, अभी क्या ही बोले, इसलिए गुस्सा हो गया मैं भी, चलो फिर अभी जाना है। और हमारे बंदे लेट होते नहीं है, तुमको लेट करना है उनको, लाइक दे आर लाइक हम लेट ही आए गए, हमारे बंदे होते नहीं ज़्यादा, बट यू नो वी हैव टू मैनेज। नो नो नो, लिसन, अब क्या सीन है तुम्हारा? नाउ वी, अभी हमारा अच्छा है तो मैं बता देता हूँ, हमने वी मेड अ डील विद टीएलएमसी, हम अभी प्रोसेसिंग जो बेचने वाला कोक है वो हम होल्ड कर रहे हैं। मतलब यू गाइस आर डूइंग मतलब कंट्रोलिंग प्रोसेसिंग, या ओके, दे आर कंट्रोलिंग द फील्ड एंड यू गाइस आर कंट्रोलिंग द प्रोसेसिंग? नो, या प्रोसेसिंग पे उनका भी हक है, बट वो कंज्यूमेबल जो कंज्यूम करते कोक वो वहाँ पे प्रोसेस करेंगे, और हम जो बेचने वाला है वो, but they will not sell that coke. Yeah, they will not sell. वो consume जो करते हैं वो sell कर सकते हैं, but okay. जो street पे बिकता है वो। तो तुम्हारा blacks के साथ क्या सीन है वो बताओ। तो यही तो बताए इतना देर। मतलब the war is on कि अब वो खत्म हो चुका है। It's on. Okay. So दो तीन चीजें हैं एज एडवाइस समझ लो या जो भी समझ लो, सही समझ में आए तो उस हिसाब से करना वरना मत करना। पहली बात तो ये है कि तुम्हारा जो समय है तुम अपने हिसाब से काम करो, मतलब तुमको जो वो बोले उनका समय उस हिसाब से काम तुम्हें नहीं करना, समझे? मतलब अब कल अगर तुम सुबह 11 बजे आते हो तो 11 बजे उनके बंदे दिखे, जहां दिखे, अकेला दिखे, दुकेला दिखे, पे लो। एक्चुअली टर्म्स तो ऐसे डिसाइड नहीं हुए ना, टर्म्स तो ऐसे हुए कि नहीं, तो वही, इफ देयर इज टर्म्स अगर डिसाइड नहीं हुई है देन इट्स नो टर्म्स। नहीं नहीं, टर्म्स हुई है कि वहां पे किसी को अकेला अगर मिलता है, हमारा भी तुम्हारी भी, तो मत मारो, टाइम जो डिसाइड होगा उसी टाइम। तो टाइम तो तुम टाइम से कभी तुम कर ही नहीं पाओगे, वो बंद वो कहेंगे कि हमको रात में आना है, तुम्हारा रात में अगर नहीं आना हो पाया तो फिर कल, दिक्कत कल दो दिन है।
करेंगे, आज आ जाएगा बंदे। चलो तो फिर नो इशू। सेकंड थिंग कि अब अगर घुस गए हो तो तब तक लड़ाई लो जब तक सब कुछ वो ना हो जाए, है ना? हाँ हाँ समझ गया। शो योर प्रेजेंस, अब सिटी को दिखाओ कि यू गाइज आर आल्सो देयर। तीसरी चीज है, इफ यू गाइज वांट सम टाइप ऑफ हेल्प, इफ यू वांट टू गिव बाउंटी और समथिंग, वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू गाइज। ओके सो बट वो चीज तब करना जब तुम हार मान चुके हो ना, ठीक है? ठीक। वरना आदमी यही सुनाता है कि अब इनकी ये हो गई कि इनको अब दूसरों को बोलना पड़ेगा, समझ रहे हो? हाँ समझ रहा हूँ। सो नो इशू। अब तुम्हारी रही गन्स की बात, तो वो गन्स की तुम चिंता मत करो, 15-20 मिनट में तुमको मिल जाएगी, वरना कल सुबह चाहो तो कल सुबह ले लो अगर तुमको बहुत देर हो रही है। नहीं नहीं एक है जिम्मी है जिम्मी। नहीं नहीं सुबह दे देना। तू भी जा रहा है क्या? मैं हूँ। क्योंकि हमारे बंदे थोड़ा आज बिजी ज़्यादा हो गए, कुछ ऐसा इशू हुआ, अभी भी वो जेल में ही है। हाँ हाँ तो कुछ ऐसा सीन हो गया है कि उसके पीछे थोड़ा लेट हो गया। अगली बार ये नहीं होगा लेट, बट अभी अगर तुमको अगर रुक सकता है कोई तो रुक जाए, 15-20 मिनट में दे दूंगा। हाँ कोई सीन नहीं, कल दे देना आप। कल दे कल कौन आप हो गए, कोई और होगा। चिल मारो, तुम एक काम करो, मेरा मेरे मेल में मुझको पिंग कर देना कि आई एम इन द सिटी, मैं उस टाइम आ जाऊंगा, ठीक है? नाम नाम अरे देखो मेरा मेल चेक करो। बियर्डेड मैं एट द रेट discord.com करके होगा। अच्छा देखता हूँ। अरे डॉन भाई, हाँ ये क्या चल रहा है? बाला जोपी घर गाड़ी जला दिए किसी की। अरे वो कार्टल वाले भी जानते हैं कि वो हम नहीं करते इस तरीके का काम, हमको जब मारना होगा मुंह पे जाके मार देंगे, कोई झाट कुछ नहीं उखाड़ सकता हमारा। और यही व्हाइट वालों ने भी, व्हाइट वाले ये व्हाइट वालों की हरकत है, तभी उनकी ठुकाई चल रही है। ठुकाई क्या चल रही है आज? तो वैसे व्हाइट वालों ने ठोक दिया था पर वो आज उनका दिन था, मेरे हिसाब से रोज इस तरह नहीं होता। और एक तो इजांगी करके भी कोई आईडिया है इसमें भी। इजनागी कार्टल, हाँ कोई इजांगी करके है, उसमें भी उसने घर ही जलाया अपने। हाँ इजनागी कार्टल ब्रो, ये है कौन जो फेक आईडी बना? इजनागी कार्टल ने घर जलाया है, दैट्स अ रियल आईडी। या हाँ, तो सीन ये है कि वाइट ने इजनागी कार्टल जो उनका घर है, हुड है, जो जो भी बोल लो, वो जलाया हमारा नाम ले करके, पर उनके बंदों ने उनकी गाड़ी निकलते हुए देख ली रेंच से, उनके घर से, तो उनको पता चल गया दे आर वाइट्स नॉट बालाज। सो अरे हूँ भाई, तो ये निकल आए जेल से, तो यही है कि इसके पीछे इन सबका होगा। ठीक है फिर कल तो चाहिए होगी गन, तो उतना देख लेना। अरे एनी टाइम कभी भी तुम मुझको मैसेज कर दो, जितने बजे भी आते हो मतलब उस टाइम मैं आ करके तुमको दे दूंगा। ठीक है, और कल और ऑर्डर दे देंगे हम आगे से। बिल्कुल। नो इशू। और कुछ तुमको कोई भी हेल्प चाहिए तो बताना। Okay. और एक बात है। हाँ पूछो। जैसा कि अभी मेरे मतलब हमारी टीआरएमसी से भी बात हुई थी, वो कुछ साइड कुछ इन्होंने साइड वाइड फिक्स किया क्या? साउथ साइड नॉर्थ साइड बांट रहे एक दूसरे को। ब्रो देखो, जिसके पास कोई काम नहीं होता है ना वो ऐसे ही करता है। इट्स ऑल अप टू यू, तुमको किससे अच्छे रिलेशन बनाने, किससे अच्छे नहीं बनाने, समझ रहा हूँ? मैं तो ऐसा बंदा हूँ, मैं फायदा भी नहीं देखूंगा किसी से रिलेशन बनाने में। अगर मुझको फायदा देखना होगा तो मैं इजनागी या फिर दूसरे बंदों से जो उनसे दोस्ती रखूंगा वो वैसे बंदे। सो साउथ साइड नॉर्थ साइड ईस्ट साइड वेस्ट साइड ये सब मेरे बस का नहीं है ना, इस तरीके का चुतियापा मैं सुनता हूँ। कोई भी बोलता है उसको बोलने, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता,
मैं पूरा शहर अपना मानता हूँ, तुम भी अपने आप को पूरा शहर मानते होगे। ये साउथ ईस्ट नॉर्थ जो चूतिया होते हैं ना वो करते हैं सब, जिनके पास कोई काम नहीं होता। पूरे सिटी में चलती चाहिए। हाँ तो वो सब उनको करने दो, वो टीएलएमसी जो आई है, नए लौंडे जो अभी आए हैं टीएलएमसी के बने हैं, वो सब बच्चे हैं अभी, उनको बच्चों जैसा काम करने दो। तुम अपना, तुम शहर में अपना वो दिखाओ कि हाँ हमें, हम अपना दिखाएं। मुझको ये नहीं समझ आता सोन भाई, ठीक है हम इतने दिन से अभी शहर में, हमने आते ही आपको भी बताया कि ऐसे नहीं कि हमने ये कर लिया वो कर लिया, ठीक है हमने मेहनत की है, धीरे धीरे बढ़े हैं यहाँ तक आ पहुँचे, आज बिजनेस भी लिया है, बिजनेस डील कर रहे हैं, फाइट ले रहे हैं। अभी भी लोग हमसे ये क्यों पूछते हैं कि तुमको ये कैसे पता, वो कैसे पता, ये जगह क्या पता, ये तो हम तुम्हारे बाप है, तुमको क्यों बताएं वो सड़क। नहीं, तुमको क्या दहेज में मिली थी क्या पहले? तुम अभी कह दो तुमको क्यों बताएं हमको कैसे पता, वही क्या ही बोलते तुमको, हम जो काम बता रहे हैं वो तुमको करना हो बताओ। अरे बहुत बहुत समझाने वाले बहुत मिलेंगे शहर, तुमको समझने की जरूरत नहीं है, तुम खुद दिमागदार हो, उनको समझाओ उस हिसाब से। हर किसी को नेता बनना है, ठीक है देखते। सुनो एक चीज और बता देता हूँ, नेवर ट्रस्ट टीएलएमसी। तुम उनके ही बिजनेस पे हाथ डालने जा रहे हो रोडन, तुमको याद रखना है एक चीज कि वो कभी ना कभी ऐसा समय आएगा जब तुम्हारी कॉन्फ्लिक्ट होगा, और बहुत जल्दी भी हो सकता है, सो बी प्रिपेयर्ड और दिमाग से काम लो, समझे? जॉन भाई भरोसे की जो बात है, मैं किसी पे भरोसा नहीं करता, अभी हमको जरूरत थी, तुमको भी पता है हमारे पास बिजनेस नहीं था, थोड़े हमारे हाथ भी पत्थर के नीचे है, तो थोड़ा धीरे धीरे हम भी मैं समझ रहा हूँ, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, चिल है। बाकी तुमको कोई भी जरूरत हो किसी चीज की भी हम हैं, बट कभी ये मत शो करना कि बालाज से हमारे अच्छे रिलेशन है, ये चीज याद रख, लोग तुमसे और चिढ़ेंगे, लोग तुमसे और चिढ़ेंगे और गलत चीजें बोलेंगे। उसका तो कोई टेंशन नहीं, अभी तक किसी को पता भी नहीं चला है हमारे अंदर से रिलेशंस कितने अच्छे हैं। उन्हें वही लगता है कि नार्को सिर्फ 2 मिनट मैकेनिक शॉप में आती है फिर गायब हो जाती है। ठीक है वैसे कोई है ही नहीं, उनको जितना सोचना सोचे, उनको सोचने दो जो सोचना है। चलो तुम लोग को भी, तुम लोग भी थक गए हो गए, काफी तुम लोगों ने बंदूक के चलाई है, चोट वोट भी लगी होंगी, अपना ख्याल रखो, कल मिलते हैं, कल मेरे को मेल कर देना जितने बजे भी तुम आओ और मैं पट से आ जाऊंगा, ठीक है? और अगर अभी रुक रहे हो तो 15-20 मिनट में ले लेना, मैं एक बार फिर भी कॉल कर लूंगा, ठीक है? मैं भी जा रहा हूँ, बिहारी भी जा रहा है, जा ही रहा हूँ, कल ही ले लो, एक टाइम दे दो ना तुम जब आओगे उस टाइम पे, हमारा एक बंदा कोई तो आ जाएगा। कितने बजे बताओ, कितने बजे आना है बताओ, हम आ जाएं, तुम बता दो, हमारे रहते हो तुम। यार हम तो, तुम वही बता रहा हूँ ना, मैं अभी पूरे दिन फ्री हूँ, मेरी तबीयत थोड़ी खराब रहती है तो मैं मोटल में ही रहता हूँ, तो बस मुझे क्या है, मैं गाड़ी उठाऊंगा मोटल से आ जाऊंगा। 11 बजे चलेगा? हाँ चलेगा ना, क्या दिक्कत, 11 बजे हम कॉल कर लेंगे। ओके चलो, नाइस मीटिंग, सी यू गाइस, बाय बाय। क्या बोलना है डेमिन, बता क्या करना है? अभी रुकोगे माने? नहीं, अभी जा रहा, थोड़ा तुरंत जा रहा, ज्यादा ज्यादा थोड़ा मसाला हो गया, थोड़ा आज ये वो ज्यादा। मैं क्या सोच रहा हूँ, जैसे कि टीएलएमसी बोल रही है ज्यादा, पता नहीं क्या क्या बोल रही है फालतू, अभी हमें पता नहीं था, बोला तो इन्होंने एक पे ध्यान दो। हाँ इन्होंने टीएलएमसी ने क्या बोला, क्या बोला तो था ना मानिया, कुछ नहीं बाद में बात कर लेंगे, अभी थक गए हैं, चलो निकलते हैं। चलो ठीक है, सुनो कल, हेलो मनिया। हाँ बोलो,
कल एपी वेपी भी लेके जाना फिर। अरे नहीं एपी का एपी चलाए हम आज बहुत ज्यादा। अच्छा तुम लोग एपी लेके गए थे क्या? हाँ मैं एक लेके गया था। नहीं यही लेके गए। और इतना लाइक समझ रहे हो, इतनी लाइक फटाक से खत्म हो जाती है क्लियर इसकी। अगर सब एपी रहे तो फायदा होगा। नहीं ऑटो है ना? ऑटो है नहीं पर लगती नहीं है वो, हवा में उड़ती है वो, चलती नहीं है। अभी है मैं टेस्ट करूं। नहीं अभी तो नहीं है। अबे वो टेक नाइन चला रहे तेरा? पर टेक नाइन तो और स्लो चलती है ऑटोमेटिक। हाँ बट वो भी कंट्रोल नहीं हो रही थी, वो सिर्फ टायर पॉप करने के लिए था, उनसे कुछ नहीं हो रही थी कंट्रोल। काम करो ठीक है। हेवी का तो उनको अच्छा खासा पड़ा था, बात वही है साले पिट वाले भाई इतनी। अरे मैं क्या कह रहा था जिमी, हाँ मेरे को भी कल चलना है यार। यार देखो बात वही है ना, तुम अभी तक ऑफिशियल समझ रहे हो? हाँ मैं समझ रहा हूँ, मैं बात बिल्कुल तो मैं समझ रहा हूँ, बट दिक्कत तो तब है ना जब मेरे को कोई पहचानेगा। अरे नहीं बाद में तुम्हारा जीना मुश्किल कर रहे हैं यार। और वैसे नॉर्मली रूल्स है, मतलब समझ लो कि जब तक डाला ना जब बहुत ही कम मुश्किल है समझ रहे हो। चलो तुम एक बार बात कर लेना जिनसे, मतलब समझ रहे हो ना, बात कर लो तो बताओ तो अगर मैं चल पाऊँ तो। यार अब मेरे रहते अगर हार रही है तो मेरे रहने का कोई फायदा नहीं है। चिंता रे यार कोई नहीं, पहली लड़ाई थी देखो ऊपर से हमने समझ। हाँ बट मतलब मैं शहर में घूम रहा हूँ, अगर मैं काम नहीं आया तो मैं किस काम का। अरे उधर से होगा ना सीन, वही था हमने फिट नहीं किया उनको मेरे टाइम। हमारे अभी तो हमारे गैंग में हुई हो, बाकी देखेंगे मनिया। सीन इतना मतलब वही था कि जो उन्होंने पिट किया ना हम पिट नहीं कर पाए। अरे मेरे को बुलाते मैं जानते हो मैं नॉर्मल से भी लड़ लेता कोई मेरे को ना एपी के ना कुछ। नहीं नहीं अरे वो साले वो है समझ रहे हो, हमने उनको मॉर्टल पे भी मारा था लेकिन वो वही सीन है कि वो चार थे और हम मैं मतलब अकेला था उस टाइम। तुम कितने लोग लड़ने गए थे? अरे सीन क्या हुआ, वो बात करते करते समझ रहे हो मनिया को कोपचे में ले जाके फिर उन्होंने वो कर दिया अकेले में। हाँ और तो ये लोग तो नहीं। वो नहीं कर सकते आप? अरे डरपोक है साले। चलो मैं सोने जा रहा हूँ ठीक है बाय। ये बताओ कल कब आओगे तुम लोग? देखो हम तो मतलब हर टाइम रहते हैं ठीक है, मतलब जैसे कि अभी ये रात को बहुत देर तक रहता है लेकिन आज थोड़ा उसके कारण जा रहा है, मन ठीक नहीं है। सुबह में ये लोग रहते हैं 11 वो वाले टाइम में, फिर शाम में भी रहते हैं हम चार, अगर चार वाले नहीं रहे तो 6 के बाद रहेंगे ये, और रात में तो देखे ही हो तुम रहते हम। सुबह कब आते हैं सर? सुबह में हम नहीं रहते और ये जिमी नहीं आता, बाकी ये तीनों रहते हैं लोग। मानिया हाँ 11-12 रहते हैं लोग, 11-12 बजे। अच्छा इनसे कांटेक्ट कर लिया करो या पता चल जाएगा वहीं पे तो। एक्चुअली मैं क्या हूँ ना, मैं 4 के बाद थोड़ा खाली होता हूँ, ज़्यादा दिन में बहुत कम आता हूँ, ज़्यादातर खाली में 4 के बाद होता हूँ। नो इशूज नो इशूज। तो उन्होंने तुम लोग को लूटा, तुम्हारी गन भी गई? अरे वो कंजर थे भाई, वो एक बार तो जब हम वो मनिया को लेके जा रहे थे तो पॉकेट का सीन हो रहा था, तुमने देखा ही होगा। जस्ट ठीक हुआ था, इन्होंने बोला चलो बात करते फिर से, मतलब ऐसे ही नॉर्मल कुछ बता रहे थे, साइड में लड़कियों की तरह चक्कू मार दिया। फिर हमने देखा ये किसी को भड़के लेके आ रहा है, हमने देखा हमने एपी से खोली इनकी खोपड़ी लेकिन दो गोली मारी और वो भाग गया, और दूसरे को भी मारा एक, मतलब हेड ही मारा सबको, दो को मारा, 3-4 गोली लगी हमारी ठीक है। और हम बालकनी में थे कहीं छुप भी नहीं सकते, तो ये साले पेड़ से टकाटक मार दिया मेरे को।
कहाँ पे हो रहा था ये? अरे मॉर्टल पे हुआ था, मॉर्टल वो मतलब? ब्लू केज मॉर्टल है ना। हाँ फिर इन्होंने हमको पिल बॉक्स रखा, जोर से चोट तो लगी थी, हमको इलाज करवाया। साला एक कंजर था, हमको इतने सुनाई दिए कि इनके पूरे ग्रुप का बोल रहा था इनसे कुछ सामान मत लेना, लेकिन एक कंजर ने हमारा सारा सामान ले लिया। कोई ना, मान लो समय आने दो, उनको भी दिखा देंगे। अरे वो भाई समय आने तो फिर बताते, मेन बात इनके पास पैसे की कमी नहीं ना है। और इन्होंने ये ब्लैक का हमने जितना हिस्ट्री पढ़ा, इन्होंने सारे उठने वाले गैंग को परेशान किया। कोई ना, हम भी परेशान करेंगे, थोड़ा सामान जाए जाए, क्या हुआ? सामान तो आते जाते रहेंगे, सामान करेंगे नहीं, कर लेंगे 4-5 दिन में, हफ्ते भर में कर लेंगे गैंग फ्रेंड ब्रेक का। अरे रुको, पिस्टल निकाल ले। तुम पे कोई ऐसे ऑटोमेटिक है पड़ी? मेरे को चाहिए यार। अरे कोई बात भी वही है ना, एक 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 दिया गया था सब। चलो कोई ना कोई ना, मेरे को बस कोई एक चाहिए थी। कोई ना, वो मिल जाएगा कुछ देर पे, क्या ही है। भाई साहब ये कौन सी है? ये तो नॉर्मल है बड़ी। तो तुम लोग कोई टेक्नाइन नहीं थी? हम मेरे पास नहीं थी, जो था इन्होंने मतलब किसी ने लिया थे। अगर घर का सप्लाई है तो सबसे अच्छा है पीढ़ी को उड़ा दो, घर का सप्लाई भर जाए। होगा कोई नहीं, हमारे पास भी कभी होगा अच्छा मटेरियल। चलो हम जा रहे थोड़ा सोते, ठीक है? कहाँ जा रहे हो? कल कब तक आओगे? कल हम रहेंगे 2-3 बजे तो आते ही है, फिर शाम को भी रहेंगे 6 के बाद। और रात में है ही हम। वैसे था मैं, अगर कॉल आया होता तो मैं ज़रूर आता। नहीं नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्या ही है, अभी तो ये शुरुआत है हमारी, पहली लड़ाई है। अच्छा पहली थी? ये वैसे भी मतलब लोगों का हमारा प्रेजेंस भी जानना था। आज जाने होंगे प्रेजेंस, बट इतने प्रेजेंस से नहीं होगा, और बढ़ाना होगा, समझ रहे हो? हाँ थोड़ा सा और बढ़ाना, वहाँ चाहिए मुझे को, वहाँ। वाह अभी हम हैं यहाँ। अरे वो सीन थोड़ा गड़बड़ हो गया था, वही बात है।